डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है सैंपल पॉइंट्स इन ए सैंपल पॉइंट्स इन एस क्या होगा, 4/52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज इन एस, यानी कि 4/52 वो प्रोबेबिलिटी है कि जो यानी कि किसकी प्रोबेबिलिटी है, एस के आने की प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड के कितने चांसेस हैं, इसको डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट्स आते हैं उनको परसेंटेज करें चेंज करें तो वो परसेंटेज बताएगा कि इतने परसेंट चांसेस हैं 100 में से ऐसे के आने के चांसेस, ऐसे के आने के चांसेस। अब दूसरा दूसरा आपके पास है कार इज पेड, दूसरा क्या है, लेट बी डिनोट द इवेंट दैट कार इज स्पेड, आपने एक इवेंट डिफाइन किया कि जो कार आपने निकाला वो स्पेड है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी, तो इवेंट बी टोटल नंबर ऑफ सैंपल टोटल नंबर ऑफ कार्स स्पेड के कार्स कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो 13C1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो जब आप रूल ऑफ कॉम्बिनेशन यूज करेंगे कैलकुलेटर के जरिए डायरेक्ट यूज करें तो 13 सैंपल पॉइंट आएंगे इसके अंदर बी के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का मतलब क्या है, स्पेड कार्ड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स एस, 13/52 ये वो चांसेस हैं स्पेड के आने के, स्पेड के आने के ये वो चांसेस हैं ऐसे के आने के। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है द कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड, द कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड, लेट सी डिनोट दैट कार्ड इज ब्लैक कार्ड। अब डी सी हमने इवेंट डिफाइन किया, सी वो इवेंट है कि वो जो कार्ड आपने निकाला वो ब्लैक है, तो हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स इवेंट डी, तो डी सैंपल पॉइंट्स इन डी बराबर है 26C1, व्हाई 26 टोटल एन आर, आर मतलब एक कार्ड निकाला है, 26 का मतलब है ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26, तो कितने बनेंगे 26 ही बनेंगे। अगर आप इसको रूल ऑफ कॉम्बिनेशन यूज करें 26 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 26 माइनस 1 फैक्टोरियल ये कितना बनेगा 26 ही बनेगा, कैलकुलेटर के जरिए डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बराबर है एन डी डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सी एन एस, कितना हो जाएगा 26/52। ये वो प्रोबेबिलिटी है इस ब्लैक कार्ड के आने की, ये वो प्रोबेबिलिटी है स्पेड के आने की, और जो पिछली वाली थी इस ऐसे की। दीज अगर आप सारी प्रोबेबिलिटीज को आप जमा करें बिकम्स 1, व्हाई बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटायर सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1, अगर आप सारी प्रोबेबिलिटीज को जमा करें तो ये आगे कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो आपने सैंपल पॉइंट्स को यहां पे लिस्ट नहीं किया बिकॉज इट इज इनकन्वीनियंट, ये मुश्किल है कि इनको लिस्ट किया जाए, तो देन वी यूज द रूल ऑफ कॉम्बिनेशन। हमने पहले यूज किया, सबसे पहला काम जो आपने करना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपने सैंपल पॉइंट्स फाइंड करने हैं सैंपल स्पेस के, ठीक है, उसके बाद इवेंट्स डिफाइन करने, उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज की डिफिनेशन यूज करनी है। ओके तो डियर व्यूअर्स डियर स्टूडेंट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में मजीद क्वेश्चंस आपके सामने भी करेंगे, तो तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे, अल्लाह हाफिज़।